तो इन दोनों में से ये एक कार मैं बुक कर रहा हूँ, कौन सी कर रहा हूँ थोड़ा सा गैस करके देखना आप। प्यारे, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भाई 14 दिसंबर 2020। मैं हूँ अभी गुड़गांव अपने फ्लैट पर, कल रात को 1 बजे। ये देख लो भाई, ये कहीं से लग रहा है 1 महीने पहले लिया हुआ सोफा सेट है, क्या हालत हो गई ये देख लो। और कल रात को पहली बार भाई मैंने इसको इतनी तेज डांटा ना रात के 1 बजे, मतलब ये भी डर गया था कि भाई क्यों इतना ज़्यादा करा, बट मुझे लगता है डांटना ज़रूरी है भाई, वरना ये सीढ़ी पहले खाई इसने, अब ये पूरा सोफ़ा खा गया और धीरे धीरे सब कुछ खा जाएगा। तो जैसे इसको मैंने डांटा तो भाई ये थोड़ा डर सा गया था और उसके बाद शांति से जाके सो गया रात को, वरना ये 3 बजे तक उधर कूद करता रहता है इधर उधर, और कल 1 बजे ही जाके सो गया। फिर ये देखो नए कपड़ों का हाल क्या होता है, अभी ली थी ये हुडी मैंने, ये पूरा गंदा कर देता है ये देख लो। हाँ, क्या दिक्कत है, हैं? वैसे एक खुशखबरी की बात है, मेरा जो लर्निंग लाइसेंस है 2-व्हीलर का, मेरे पास परमानेंट लाइसेंस था 3-4 साल से, बट उसमें 4-व्हीलर का नहीं था, तो मैंने 4-व्हीलर का अप्लाई किया था कुछ दिन पहले और मुझे जो है वो लर्निंग लाइसेंस मिल चुका है, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। और साथ ही साथ जो मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट थी ना, जो मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी ली है, उसमें थी भाई नॉर्मल वाली नंबर प्लेट, तो ऐसा मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि नॉर्मल नंबर प्लेट पर चलाना है तो वो IND वाली जो नंबर प्लेट आती है वो ज़रूर लगवानी चाहिए, तो वो भी मैंने 3-4 दिन पहले जाके कोर्ट में अप्लाई कर दी थी और वो भी कल आ चुकी है। तो अभी फटाफट से चलते हैं भाई, पहले नंबर प्लेट लगवाता हूँ गाड़ी में, चलानी आ गई है, लाइसेंस भी आ गया है। पिछले व्लॉग में सीट बेल्ट लगाना भूल गया था क्योंकि मैं गली में ही चला रहा था, पर एकदम रोड पे निकला, मानता हूँ मेरी गलती है, बट आज लगाएंगे भाई सीट बेल्ट। तो फटाफट से आसपास देखते हैं कोई दुकान मिल जाए जहाँ से अपना नंबर प्लेट लगवा लूँ मैं, और उसके बाद भाई सोच रहा हूँ मैं आज कि फाइनली गाड़ी बुक करवा जाते हैं। जो मैंने पिछली गाड़ी बुक करवाई थी वो मैंने कैंसिल करवा दी है, उसके पीछे क्या रीज़न है क्या नहीं वो सब भाई डिलीवरी के टाइम पे बताऊंगा, बट जो अभी मैं गाड़ी लेने वाला हूँ उसकी पहले वेटिंग पीरियड पूछते हैं जाके, और ऑन रोड प्राइस क्या पड़ रहा है वो भी जाके पूछते हैं, मन बना तो बुक कर ही आऊँगा। बाकी भाई आज कपड़े धोने का दिन है, तो मैंने इधर मशीन लगा रखी है, काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे कपड़े, तो ये तो धुलते रहेंगे ऑटोमेटिक, का यही फ़ायदा है। अगले 3 दिन में क्योंकि मुझे निकलना है भाई बाइक राइड पे, लंबी ट्रिप होने वाली है इस बार, तो मज़ा आएगा भाई, कितने टाइम बाद मैं प्रॉपर ट्रिप कर रहा हूँ, कोई मतलब 6-7 दिन का लॉन्ग टूर रहेगा, अच्छे से बाइकिंग भी होएगी, इंडिया में ही है, बाहर का नहीं है सीन, तो उसकी भी तैयारी श्यारी करनी है जी। कल शायद मैं करोल बाग भी जाऊंगा अपनी बाइक में फॉग लाइट्स लगवाने के लिए, आज टाइम नहीं है, आज वैसे ही मंडे है तो मंडे को करोल बाग बंद रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा मंडे को मैं आसपास के काम निपटा लेता हूँ और ट्यूसडे को चला जाऊंगा बाइक करवाने, और शायद से वेडनेसडे या थर्सडे, तो लास्ट है भाई थर्सडे को मैं निकल लूँगा। बाइक का होने का यही फ़ायदा भाई, जब मन करे उठ के निकल लो, बुकिंग वुकिंग नहीं करवानी पड़ती फ्लाइट की या बस की। अरे हाँ सर, गुड न्यूज़ तो देना भूल ही गया भाई, मेरे मम्मी पापा जो है वो पंजाब से आ चुके हैं 2 दिन पहले ही, मैंने कोई व्लॉग नहीं किया 2 दिन से, इसलिए मैं बताना भूल गया, और मम्मी पापा आ गए हैं इसलिए मैं जा पा रहा हूँ ट्रिप पे, क्योंकि ब्रूनो को मैं उस वाले घर पर छोड़ आऊँगा, तो देखते हैं भाई क्या प्लान बनता है, इतनी अब दिक्कत नहीं होगी, ब्रूनो की टेंशन नहीं रहेगी, आराम से मैं घूम भी सकता हूँ और ब्रूनो का भी ध्यान रखा जाएगा पूरा। देख लो भाई, सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लिया, मास्क भी पहन लिया, और लास्ट वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा कैमरा बिक चुका है, उससे पहले मेरा 50mm लेंस भी बिक चुका था कैनन का, अभी एक लोता बचा हुआ था कैनन का 1018 और उसका जो एडेप्टर आता है जिसमें आप मिररलेस का नहीं DSLR का लेंस मिररलेस में लगा सकते हो, तो ये दोनों भी भाई बिक चुके हैं, इसलिए मैं पहले स्टोर जाऊँगा, ये वहाँ पर दूंगा ताकि शिवम भाई पैकिंग कर दे इसकी और जिसने भी ये ख़रीदा है उन तक ये पहुँच जाए, तो इसको मैं पहले यहीं रख देता हूँ साइड में। और मैं GoPro Hero 9 तो लेकर आया रिकॉर्डिंग के लिए, बट देखा तो 9% चार्जिंग है, तो मैंने यहाँ पर ही चार्जिंग पे लगा दिया है, थोड़ी देर में चार्ज हो जाएगा, पहले नंबर प्लेट लगवाने चलते हैं। अरे हाँ सच, मैं ना ये भी सोच रहा हूँ कि भाई इस वाली गाड़ी में सेंट्रो में डेंटिंग पेंटिंग करवा ही लेता हूँ भाई, ज़्यादा खर्चा है नहीं और गाड़ी बिल्कुल नई लगेगी, क्योंकि जो मैं अगली गाड़ी ले रहा हूँ ना वो भाई थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, तो मैं उसको सिटी में शायद ही चला पाऊँगा, मतलब चला पाऊँगा लेकिन मैं चलाना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो मैं लॉन्ग ट्रिप्स के लिए ज़्यादा यूज़ करूँगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ सेंट्रो को भी अच्छे से बना के रखूँ ताकि शहर में जो छोटे मोटे काम होते हैं, ब्रूनो को ले जाना हो गया, वो सब मैं सेंट्रो में ही कर लूँगा। तो आपकी क्या राय है इस बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि हाँ इसको करवा लो डेंटिंग पेंटिंग, बिल्कुल नई बन जाएगी भाई ये और खर्चा भी ज़्यादा नहीं है, तो बता देना कमेंट सेक्शन में। देखते हैं फिर जब मैं ट्रिप के लिए निकलूँगा तो उससे पहले गाड़ी को छोड़ जाऊँगा ठीक करवाने के लिए, और जब तक आऊँगा भाई क्योंकि उसमें 4-5 दिन लगते हैं, तो जब तक आऊँगा गाड़ी बिल्कुल मस्त हो चुकी होगी। चलो भाई
भाई नंबर प्लेट लगवा ली है, अब चलते हैं अपनी नवी नवी गाड़ी की बुकिंग करवाने। ओह भाई साहब इतनी धूप आ रही है, तो बुकिंग करवाने से पहले वहाँ पे मैं जाके देखूंगा, कोटेशन वोटेशन लूंगा, और अगर फाइनल हो गई तो जी डन डन आ डन। कौन सी गाड़ी है वो तो हम भैया आपको नहीं बताएंगे, वो हम सीधा डिलीवरी वाले दिन ही खुलासा कर देंगे आपको, क्योंकि वेटिंग पीरियड है उसका मेरे ख्याल 1-1.5 महीने का, तो हो सकता है जनवरी या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में, देखते हैं, मतलब अभी मुझे पता नहीं है, शोरूम में जाकर ही पता चलेगा। भाई GoPro एक नंबर का है, मतलब हीरो 9 क्वालिटी भी 4K में तगड़ी देता है, मतलब छोटा सा है तो आराम से इसमें माउंट में जो है वो लग जाता है, और चलाते चलाते अपना व्लॉगिंग करो तगड़ी वाली। ट्रैफिक भाई ख़त्म नहीं होता, गंदी रोड्स, ऊपर से ट्रैफिक। अब जो बंदा नया नया गाड़ी चलाना सीखा है भाई, ऐसे झटके वाली जगहों पे कहाँ उससे चलेगी गाड़ी। अच्छा वो बंद नहीं हुई अभी, मुझे लगा बंद हो गई, या यहाँ से निकल जाऊँ बस जल्दी जल्दी, इतना ट्रैफिक भाई, खच्चड़ रोड अभी पड़ी है। अब मैं अपनी बाइक से तो यहाँ से निकल जाता हूँ ऑफ रोडिंग करता हुआ, बट सेंट्रो ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएगी, ये देखना। ओ भाई साहब, तो यार अभी मैं आ चुका हूँ सेक्टर 14 जहाँ पर काफ़ी सारे शोरूम हैं। इधर 3 शोरूम हैं मेनली, 3 भी छोड़ो, 2 ही हैं, किया का और ह्यूंडई का। तो इन दोनों में से ये एक कार मैं बुक कर रहा हूँ, कौन सी कर रहा हूँ थोड़ा सा गैस करके देखना आप। और जो पिछली गाड़ी थी वो भी मेरी इन्हीं दोनों ब्रांड में से किसी की थी जो मैंने कैंसिल करवाई है। तो चलते हैं भाई फटाफट से अंदर, तो मैं शूट करूँगा नहीं, अगर हो गया फाइनल तो बुक करके मिलता हूँ फिर आपसे। तो यार सब कुछ लगभग हो चुका है फाइनलाइज, बस मुझे एक कलर देखना है, मैं सिल्वर और वाइट के बीच में कंफ्यूज हूँ। तो कोटेशन वोटेशन हो गई है, डन हो गई है कार, वो कह रहे हैं जैसी कोई सिल्वर की डिलीवरी होगी मैं आपको बुला लूँगा, क्योंकि वाइट तो खड़ी हुई थी वहाँ पर, तो वो तो मैंने देख ली, अच्छी लग रही है भाई बहुत, बट सिल्वर मेरे को पसंद है, मुझे लेने का मन है, इसलिए मैं सामने से देखना चाहता हूँ। तो वो कह रहे हैं मैं फ़ोन कर दूंगा आजकल मैं जब भी डिलीवरी होगी, और उसके बाद मैं फाइनल करके जो है कर दूंगा। और वो कह रहे हैं जनवरी के मिड में मिल जाएगी, मतलब लास्ट तक भी लगा लो कि फरवरी से पहले पहले मिल जाएगी गाड़ी अपने को। तो अब मैं जाता हूँ भाई फटाफट से स्टोर पर, लेंस देकर आता हूँ, 5 बज गए करते करते यहाँ पर ही। लो भाई मैं स्टोर के बाहर आ गया हूँ, और शिवम भाई को लेंस दे दिया है, जिस भी भाई ने वो ख़रीदा है उनको 2-3 दिन में मिल जाएगा। अभी मैं स्टोर जा नहीं रहा, मुझे काम है थोड़ा सा और बाज़ार का, तो वो निपटाऊंगा, और उसके बाद ब्रूनो को एक और इंजेक्शन लगवाना है, तो वो मैं शाम को चला जाऊंगा, इसलिए स्टोर पे नहीं जा रहा। तो ठीक है भैया जी, ओके जी, कर देना आज ही शिप, ठीक है, डिले हो गया बीच में 2 दिन क्योंकि संडे पड़ गया था ना, और मैं अभी आ नहीं पाया, बट चलो जी ओके। मुझे ना असल में KTM के शोरूम जाना है, क्योंकि ट्रिप से निकलने से पहले मैं पूछ के आना चाहता हूँ कि मैं सेकंड सर्विस करवा लूँ या नहीं करवाऊँ, क्योंकि सेकंड सर्विस थी भाई 10,000 किलोमीटर पर, मैंने चलाई अभी सिर्फ 2,000 किलोमीटर है, तो उनसे जाके बात करता हूँ, क्योंकि दिसंबर ही था टाइम सर्विस का, तो एक बार बात कर लेता हूँ जाके फटाफट से, और उसके बाद ब्रूनो को लेकर जाएंगे डॉक्टर के इंजेक्शन लगवाने। 1 hour later चलो भाई आज तो सारे काम हो गए, सुबह से भटक रहा हूँ इधर से उधर, और ये ब्रूनो महाराज अपने भाई अब सोफे पे भी चढ़ने लग गया, इसकी हाइट बढ़ चुकी है इतनी, तो सोफ़ा भी मेरे को, ये देखो पूरा सोफ़ा मैंने खाली कर रखा है ताकि कुछ भी ना रखूं यहाँ पर, वरना ये सोफे पे चढ़ चढ़ के भी भाई सब कुछ खा जाएगा। ये देखो मेरे ऊपर चढ़ने की कैसे कोशिश करता है, दोनों हाथों को ना बिल्कुल पकड़ लेगा, पता नहीं क्यों हमेशा मेरे पैरों पर आके सो जाता है, ये देखो मतलब दोनों जूतों के ऊपर रख लेगा अपना पूरा शरीर और लेट जाता है आराम से, ये शायद इसलिए करता ताकि मैं जाऊँ ना, है ना ब्रूनो पाजी। Later that same evening. आज तो भाई खतरनाक वाली भीड़ हो रही थी डॉक्टर के, बट इंजेक्शन लग गया आज, इसको लगा है कौन सा लगा है, नहीं कोरोना का लगा है, और 25 तारीख को लगना है रेबीज का, वैसे इसकी डेट 15 तारीख थी यानी कि कल, बट मैं इसे आज ही ले आया क्योंकि कल मुझे बाइक का काम करवाने करोल बाग जाना है, इसलिए मैंने सोचा आज करवा ही देते हैं। और इसके अलावा इसको एक ही बार नहलाया था मैंने, वो भी बाहर से ही नहलवाया था, बट अब मैंने डॉक्टर से पूछ लिया, वो कह रहे हैं आप घर पर नहला सकते हो, ये वाला उन्होंने शैम्पू भी दे दिया, नाम है कीटोक्लोर, तो इससे भाई नहलाएंगे इसको। और स्किन इन्फेक्शन पूरी अच्छी तरह ठीक हो चुका है, 21 किलो वजन हो गया है, हेल्दी है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं से मैं अभी एक चिकन रोल ले रहा हूँ, चिकन रोल खाने के बाद भाई घर जाएंगे, सैनिटाइज कर लूँ पहले। भाई साहब क्या खतरनाक टेस्टी चिकन रोल है भाई, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, एक नंबर। ओके भैया जी तो चला जाए, बहुत देर लग गई, 8 बज गए, घर से 2 बार फ़ोन आ गया, फटाफट से निकला जाए, देख लो अब इसको सारी मेरी फिर वो गंदी कर दी। चलो बैठ जाओ शांति से, अब इसकी मैंने ना सीट बेल्ट मंगवाई हुई है असल में अमेजोन से, बट वो अभी तक आई नहीं है, तो वो मैं पीछे बांध दे करूँगा, इससे आसानी रहेगी। हो हो हो, कैमरा कैमरा कैमरा,
चल भैया चले। तो ठीक है यार, फिर व्लॉग को एंड करते हैं, अब ज्यादा खींच के मतलब नहीं, घर जाके फटाफट से ओम एडिट करूंगा, फटाफट से कल ही अपलोड कर दूंगा, यानी 15 तारीख को ही। मिलते हैं भैया फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल एंड गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, और ये लाइट जला के कभी भी रात को ड्राइव नहीं करना चाहिए। बाय बाय।